मुगलई पराठा बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और अगर आपको भी ऐसा पराठा बनाना है तो इस रेसिपी को एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, ललित महाराज किचन में आपका स्वागत है। हम लोग कई तरह की रोटियां और पराठे खाते हैं, मगर जब बात राजा महाराजा और बादशाहों की हो तो उनके खाने के क्या कहने। आज हम ऐसी ही एक शाही रेसिपी मुगलई पराठा बनाएंगे, तो शुरू करते हैं मुगलई पराठा बनाना। एक बड़ी बाउल के अंदर हम 1.5 कप के करीब मैदा को डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब तेल को डालेंगे। इन सभी सामग्री को चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब हम गुनगुने पानी की सहायता से इसका नरम आटा गूंथ लेंगे। हमें डो को टाइट नहीं रखना है, नरम गूंथना है। और इस तरह से हम नरम डो को गूंथ लेंगे। अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब तेल को डालेंगे और इसे गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे और इन सभी सामग्री को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हम इसे तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। हमारी प्याज और मिर्च अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को डालेंगे, 1/2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी को डालेंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 कप ग्रेट की हुई गाजर को डालेंगे, 1/2 कप बारीक कटे हुए मटर को डालेंगे और 1/2 कप फूल गोभी को डालेंगे। इन सभी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर को डालेंगे और 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर को डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर को डालेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाले को डालेंगे, नमक को हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके हम अच्छी तरह से पका लेंगे। हमें पकाते हुए करीब 3 मिनट हो गए हैं और ये सामग्री अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम उबला हुआ और ग्रेट किया हुआ 1 आलू डाल देंगे और 100 ग्राम ग्रेट की हुई पनीर को डालेंगे और सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक और पकाएंगे। हमारा स्टफिंग अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आटा भी हमारा सेट हो गया है, इसे बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा पुनः मसलेंगे। अब इसमें से हम एक लोई निकालेंगे और दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से लोई को बना लेंगे और बेलन की सहायता से इसे रोटी के रूप में बेल लेंगे। हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग को डालेंगे। मैंने करीब 4 टेबलस्पून स्टफिंग ली है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। स्टफिंग को अच्छी तरह से फैलाकर सेट कर देंगे इस तरह से और इसे लिफाफे की तरह हम फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद अब इसे हम फ्राई करेंगे। एक तवे को गर्म करेंगे और इस पर पराठा डालेंगे। कुछ देर तक पकाने के बाद हम इसे पलटेंगे और इसके ऊपर तेल को डालेंगे। आप चाहे तो इस पर घी का प्रयोग भी कर सकते हैं, मैं तेल का प्रयोग कर रहा हूं। और इसे कुछ देर तक पकाएंगे। अब हम इसे पलट देंगे और पीछे भी हम ऑयल को ब्रश की सहायता से लगाएंगे।
हम पराठे को पलट कर अच्छी तरह से पका देंगे। अब हम इसे खड़ा करके साइड से भी इसे पकाएंगे। इस तरह से हम सभी साइड से पराठे को अच्छी तरह से पका लेंगे और बाकी पराठे भी हम इसी तरह से बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पराठे बनके तैयार हो गए हैं। पराठे बहुत ही सुंदर बने हैं, इसकी आप स्टफिंग को अंदर से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है और ये पराठा वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। मुगलई पराठे बहुत ही शानदार बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप भी ये रेसिपी बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि ये पराठे बने कैसे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।